अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफ़त से होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने परवाज़ स्कीम जो मिशन यूथ की तरफ से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फॉर्म निकले हैं नीट JEE की कोचिंग के लिए। जो फ्री कोचिंग होनी है उसकी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पर साइट पर जो है आ चुकी है। आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो जो कुछ भी इस नोटिफिकेशन में मैंशन है मैं आपके साथ वो पूरा शेयर करूँगा और पूरा बताऊँगा कि आगे प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखिए, जो इसमें बताया हुआ है, एक तो इसमें एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिसमें उन स्टूडेंट्स का नाम है जो सिलेक्ट हुए हैं। तो सिलेक्ट जो फार्मूला रहा था सिलेक्शन का, वो 10th और 12th के परसेंटेज के बेसिस पर सिलेक्शन होनी थी, वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो है फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए जो है फिज़िकल वेरिफिकेशन या जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं उसके लिए जो है बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल उसकी डेट तो नहीं आई है, लेकिन वो डेट जो है एक दो दिन तक वो डेट भी आ जाएगी। आप ग्रुप में बने रहें या हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं। उसके अलावा मैं ज़रूर यूट्यूब पर जो है वीडियो बनाऊंगा कि कब जो है उसका शेड्यूल रहेगा। तो आपको क्या करना है, फ़िज़िकल काउंसलिंग के दौरान आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेने होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पर सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट में अटेंड फिज़िकल काउंसलिंग एट जम्मू और श्रीनगर, जो भी आपको नज़दीकी में पड़ता है जम्मू और श्रीनगर में जो है फिज़िकल काउंसलिंग होगी एज़ पर टियर कॉन्वीनियंस दैट शेल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो यहाँ पर अभी फिलहाल डेट तो नहीं आई है, लेकिन वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी एक दो दिन तक। कैंडिडेट टू मेक श्योर दैट दे अटेंड द काउंसलिंग ऑन द डेजिग्नेटेड डेट एंड टाइम, जो कि अभी फिलहाल नोटिफाई नहीं हुई है, तो आपको अपने ही डेट पर जो है अपनी काउंसलिंग जो है वो अटेंड करनी है। उसके बाद कैंडिडेट शेल द अटेंड फिजिकल काउंसलिंग अलॉन्ग विद द फॉलोइंग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि आपको काउंसलिंग में जो है वेरीफाई करानी होगी, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो है 6 महीने से ज़्यादा की पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो नई इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी आपके पास होगा वो दे सकते हैं। उसके अलावा जो इनकम सर्टिफिकेट अगर किसी के पास अभी तक नहीं है, उसने क्या करना है, सबसे पहले उसको अपनी इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो है अप्लाई करना है। और वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको जो है एक अंडरटेकिंग देनी होगी। अंडरटेकिंग में ये लिखा होगा कि आप जो है इंस्टीट्यूट के एडमिशन के टाइम आपको इनकम सर्टिफिकेट देनी होगी। तो फिलहाल आप सब ने अगर इनकम सर्टिफिकेट बनाई होगी तो बहुत बेस्ट है। अगर किसी को अभी तक इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनी है उसके लिए जो है अंडरटेकिंग का ऑप्शन रखा हुआ है। द कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट द प्रेफरेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द फिजिकल काउंसलिंग फॉर्म। द लिस्ट ऑफ द अवेलेबल इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द लोकेशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। फिलहाल कोचिंग सेंटर की नोटिस, कितना कोचिंग सेंटर है और कहाँ कहाँ पर हैं, वो लिस्ट और जो काउंसलिंग फॉर्म है वो फिलहाल अभी हमारे पास नहीं आया है। वो आने वाले दिनों में वो नोटिस अपलोड हो जाएगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपको वो फॉर्म फिल करना है और प्रेफरेंस देनी होगी। और यहाँ पर प्रेफरेंस जो है, एक बार जो आप प्रेफरेंस देंगे वो जो है फिर चेंज नहीं हो सकती है, उसको भी यहाँ पर बताया हुआ कि वो जो है चेंज नहीं हो सकती है। और उसके अलावा जो है इस प्रोग्राम में, जो कि मिशन यूथ प्रोग्राम है, सिर्फ आपको कोचिंग फ्री होगी, बाकी रहने रहने खाने पीने का खर्चा आपको खुद करना होगा। वो यहाँ पर इसमें बताया हुआ है, आपको ये भी डिक्लेरेशन देनी होगी कि मैं सिर्फ जो है फीस इस प्रोग्राम के अंडर जो है आपको सिर्फ फीस जो है वो फ्री रहेगी, बाकी जो आपका खर्चा होगा रहने रहने का, खाने पीने का खर्चा, वो आपको खुद लेना होगा। और जो इंस्टीट्यूट होंगे वो जम्मू और श्रीनगर में होंगे, बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगे, डिस्ट्रिक्ट जम्मू और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में होंगे। तो इन जगहों पर जो है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, इन जगहों पर आपको जो है अलॉट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट है, और जिनने जो है JEE के लिए बनाया, JEE के लिए जो है अप्लाई किया उनकी लिस्ट भी है, नीट के लिए फिल किया हुआ है उनकी भी लिस्ट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और सिलेक्ट उतने ही हुए जितने यहाँ पर सीट्स थी, और यहाँ पर जो है सीट जो है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आगे जो लास्ट वाला कॉलम है PQ, यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं। PQ मीन्स की स्टेटस जो है प्रोविजनली क्वालिफाइड, और NQ जिसके आगे होगा NQ नॉट क्वालिफाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60% से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है प्रोविजनली क्वालिफाइड का स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है। इसी तरीके से नीट की अगर बात करें तो नीट की लिस्ट जो है यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सीट जो है वो लिमिटेड है, 150 सीट JEE में है और बाकी सीट जो है नीट के लिए रखी गई हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, नीट में जो है अगर टोटल नंबर की बात करें, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है जो कि प्रोविजनली क्वालिफाइड इस लिस्ट के तहत हैं, तो यहाँ पर आप चेक करें 1352 स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलेगी, सीट्स जितनी होंगी उतने ही स्टूडेंट्स को लिया जाएगा,
फिलहाल सीट की जो वैकेंसी है वो अभी फिलहाल शेयर नहीं की है मिशन यूथ की साइट पर, तो जब भी वो शेयर कर देंगे वो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, उसके अलावा जो जिसने भी ये फॉर्म फिल किया हुआ उस तक जो है ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ और ये मेरिट लिस्ट आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करें, क्योंकि इसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, 2-3 दिन तक स्टार्ट हो सकती है, और टाइम जिस टाइम आपको जिस डेट को आपका नाम आएगा आपको बुलाया जाएगा उसी डेट को आपको अपीयर होना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा।